इस बात की खबर फरुखाबाद से आ रही है, जहां एक दुर्घटना में 10 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही उजागर हुई है। फरुखाबाद से खबर, दुर्घटना में 10 लोगों की मौत का मामला, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई है। दो जिलों की सीमा से गुजरे ओवरलोड वाहन, पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों ने नहीं इस पर दिया कोई ध्यान और रास्ते में कई स्थानों पर तैनात है पुलिस पिकेट। फरुखाबाद कासगंज सीमा पर लगा है बैरियर, सक्रिय होती पुलिस तो नहीं होती दुर्घटना। बताया जा रहा है कि अगर पुलिस सक्रिय होती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। शव आते ही गांव में मातम का माहौल छा गया है। बोलेरो और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर हुई थी। बताया जा रहा है कि 7 की मौके पर मौत हो गई और 3 लोगों को उपचार के दौरान मौत हुई थी। 5 सीट वाले टेम्पो में 11 यात्री यात्रा कर रहे थे। यहां पर 5 सीट वाले टेम्पो में 11 यात्री यात्रा कर रहे थे। यात्रा बोलेरो चालक को नींद आने से हुआ ये हादसा। दुर्घटना में 10 मई लोगों की मौत। शव गांव आते ही गांव में मचा कोहराम। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से बदहवास हुए परिजन। मैनपुरी बंदायू हाईवे पर अशोकपुरी के पास हुआ यह हादसा। शव आते ही गांव में कोहराम मच गया है और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़ चुके हैं। जी ऋषि सेंगर जी, मैनपुरी से बनायू हाईवे पर ये हादसा हुआ है, इसमें कितने लोगों के मारे जाने की खबर है? इसमें 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें 7 लोग घटनास्थल मर गए थे और 3 लोगों की उपचार दौरान मौत हुई थी। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन और पुलिस की उजागर हो रही है। ओवरलोड टेम्पो दो जिलों की सीमाओं से गुजरा है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुलिस या प्रशासन जरा भी सतर्क होता तो इतनी जाने नहीं जाती इसमें। जी बिल्कुल ऋषि जी, तो ऋषि जी ये बताएं कि इस गैर जिम्मेदाराना पुलिस के रवैये पर कोई कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं दुर्घटना कैसी हुई इसकी जांच कराई जाएगी। इतने तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ओवरलोड टेम्पो आखिर गुजरा कैसे। कई टिकट पड़ते हैं वहां तक जाने में, लेकिन किसी टिकट पे से पुलिस वालों ने चेक नहीं किया कि सवारी कितनी है। जी ऋषि बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के तहत ये बड़ी लापरवाही सामने आई हुई है। फरुखाबाद से खबर आ रही है कि शव आते ही गांव में कोहराम मच गया, जहां बताया जा रहा है दो जिलों की सीमा से गुजर रहे थे ओवरलोड वाहन और एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से बदहवास हुए हैं परिजन। मैनपुरी बदायूं हाईवे पर अशोकपुरा के पास ये हादसा हुआ है। दुर्घटना में 10 लोगों की मौत बताई गई है। साथ ही बता दें कि शव आते ही गांव में कोहराम मच गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से बदहवास हुए परिजन।